क्या कहो, अभी शादी के सारे फंक्शन खुद में इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, सारी रस्में, तिलक, मेहंदी, संगीत, हल्दी, तो फिलहाल हमें सारी रस्में में अटेंड करने में और उनमें हिस्सा लेने में खुद में बहुत आनंद आ रहा है, और मुखी जी का रिएक्शन देख के भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो जनरली इसमें इतना बिलीव नहीं करते हैं, पर हमारी खुशी के लिए वो यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं गांव में पहली बार इतने सालों में, तो सब उनकी खुशी में भी शामिल हुए हैं, और सब ये देख के भी बहुत खुश है कि वो इतने सालों में पहली बार इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, तो हाँ सब बहुत खुश हैं। अरुबा जो चैलेंज था, क्या वो पूरा हो गया? ऑब्वियसली, इसलिए तो मैं इतनी खुश हूँ कि और सब भी बहुत खुश हैं, मुखी जी ने भी चैलेंज पूरा कर लिया और मैंने भी चैलेंज पूरा कर लिया, इसलिए हम दोनों इक्वल इक्वल। वैसे देखा जाए तो दुल्हन की बहन का ही काफ़ी कम डांस होना है, लेकिन हाँ नियति से पूछो उन्हें डांस कितना पसंद है। मुझे डांस बहुत पसंद है, जब म्यूजिक चल रहा था तभी मैं कर रही थी, मुखी जी के जो भी स्टेप थे वो मुझे याद हो गए, तो अगर डायरेक्टर सर बोलते कि अरुण साथ में ज्वाइन हो जाओ तो मैं तभी भी कर सकती थी, पर एनी विच वेज द स्क्रिप्ट डिमांडेड, मुझे थोड़ा कम डांस करना है तो मैं थोड़ा कम डांस कर रही हूँ। वैसे अरु के लुक के बारे में पूछे, काफ़ी पिंकिश और कुछ चिड़ियाओं को पिंजरे में कैद जी। हाँ, मैं बहुत कलरफुल लड़की हूँ, और गुजरात का टच देने के लिए मेरे तो या यू कैन सी आई एम एनिमल लवर। और कितना कुछ देखने मिलने वाला है, कुछ ड्रामा या कुछ ट्विस्ट आएगा इसमें? हाँ, हमारे हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता ही है, आप देखेंगे कि मुखी जी जो डांस कर रहे हैं उसकी शुरुआत भी एक ट्विस्ट से ही होती है, तो ये तो बात है कि हमारे शो में हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, तो आप देखते रहिए और बताइए आपको ये ट्विस्ट कैसे लगे। थैंक यू।